दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? आज का वीडियो बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब मैं देना चाहता हूं। जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई कल की अवतार कोई है नहीं, वो एक सोच है। तो चलिए खैर, मैं उनकी बात को भी बल देते हुए कहता हूं, सोच है तो अच्छी सोच है ना, कि कल की अवतार एक सोच है, कलयुग में अधर्म को मिटाएगी और सतयुग लाएगी। मुझे उनकी बात का समर्थन करने में धन्यवाद देना है, उन्होंने इस तरफ ध्यान दिलाया कि हमें बुरी सोच को मारना है, अच्छी सोच को लाना है। अंततः क्या है, हम रावण को मार पाए, कंस को मार पाए, दुर्योधन को मार पाए, उनकी सोच को नहीं मार पाए ना। तो कल की अगर सोच है तो अंततः हम सोच ही तो चाहते हैं अच्छी। धन्यवाद दोस्तों इस टॉपिक पे मेरा ध्यान दिलाने के लिए। बने रहिएगा मेरे चैनल देव सारेश्वर पर, और भी अच्छी अच्छी बातें करूंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये सब बातें तो नॉर्मल लोग कहते हैं, आज मैं भी कह रहा हूं। एक और बीच में कह दो दोस्तों, आप बहुत सारे लोग देखते हो मेरे चैनल को, अब पहली बार कह रहा हूं, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? आपको क्या लगता है कि मैं कुछ जो, अगर वीडियो देखोगे भी आप तो एक आध बात तो कोई ना कोई मिल जाएगी जो अच्छी लगेगी। अगर आपको देखना पसंद हो मेरे वीडियो तो दोस्तों, अगर अभी देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, लाइक का बटन भी दबा दीजिए। मेरा उद्देश्य इस माध्यम से कुछ प्रभु के नाम के अलावा और कुछ कमाना नहीं। कमाई करनी है तो ऊपर वाले के नाम की कर लो, और बाकी तो इतना ज्ञान मुझे हो ही गया है कि कुछ नहीं साथ जाना वही साथ जाएगा, और वही आया था। तो चलिए खैर, ये सब प्रवचन की बातें नहीं, ये तो विज्ञापन हो जाएगा अलग टाइप का। मैं ये कह रहा था आपको, कल की अगर एक सोच ही है तो वो सोच ही तो चाहिए अच्छी सोच। में की नाभि में भी अमृत होता है, अच्छी सोच की नाभि में ऐसा अमृत होता है वो कभी मरती नहीं, और बुरी सोच की अधर्म की नाभि में भी अमृत है, वो अच्छी सोच उसे मारती रहती है नाभि को। यही धर्म अधर्म का चलता रहता है, ये क्रम है। दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि वो कहां से जन्म लेंगे कल की अवतार। मैं कहता हूं आप खुद बताइए, पूरा वर्ल्ड कितने सालों से पाश्चात्य संस्कृति को त्याग के हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति को अपना रहा है। अभी देखिए इस काल में भी लोग हाथ मिलाते थे, दूर से नमस्कार कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? जिसकी सभ्यता और संस्कृति पूरे वर्ल्ड में ऑटोमेटिकली अपनाई जा रही हो, इसका मतलब कल्कि ने वहां डेरा डाल दिया, कल्कि को वो पसंद है। जिसकी सभ्यता आकर्षण का केंद्र बन रही हो, जिसकी सभ्यता को लोग पाश्चात्य लोग उस जगह पे जाके उसका आनंद लेके नहीं, उससे सबक लेके वापिस आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम अपने देश भारत में वहां के निवासी जो वो जगह प्रभु को वैसे ही पसंद है। ये के साथ बता दिया मैंने कि पूरे वर्ल्ड में लोग हमारी साहित्य संस्कृति सभ्यता को आकर्षित हो रहे हैं, यानी कि कल की नहीं है डेरा, पहले से ही है, अप्रत्यक्ष रूप से अपना काम वो कर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से जो बात है तो उनकी सोच तो प्रकट होगी, जैसा आप बता रहे हैं तो सोच तो उनकी चली रही है ना, आप और हम सोच में ही तो बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है जो कल की जिम्मेदारी में ही है कि सतयुग लाना। धर्म और धर्म वाले तो और भी अवतार कर चुके हैं, इसके लिए नया है क्योंकि ये सतयुग लाएंगे। अब सतयुग में बहुत सारे लोग इसको समझते हैं, पता नहीं कैसे लाएंगे सब लोग, कैसे हो सकता है कि सतयुग आए, क्यों नहीं हो सकता भाई? जब ये जोड़ा है कलयुग और सतयुग पास पास जोड़ा है, तो जोड़े में सोचो आप, ऐसा समझो जैसे अंधेरे और उजाले का जोड़ा होता है, जैसे दिन और रात का जोड़ा होता है, जैसे झूठ और सच का जोड़ा होता है, जैसे न्याय अन्याय का जोड़ा होता है, जैसे धर्म अधर्म का जोड़ा होता है, ऐसे ही ये जोड़ा है सतयुग और कलयुग का। अब आप कुल जिनको आश्चर्य लगे ऐसा हो नहीं सकता, मैं उनको बता दूं कि एक बहुत बड़ा अंधेरा हो, वैसे प्रकाश वाले अंधेरे की बात कर रहा हूं मैं, ज्ञान वाले अंधेरे की अभी बात कर रहा हूं, कोई बहुत बड़ा अंधेरा हो किसी कमरे में, बड़े जो होल में, उसको सोचिए इसको, इस अंधेरे को कैसे दूर करें? तो नॉर्मली छोटा सा दीपक जला के रख दो, तो इतने बड़े होल के अंधेरे को एक दीपक जिस भी हद तक काट सकता है काट देगा ना। उसमें आपने अगर बड़े से होल में चार दीपक रख दिए तो उजाला हो जाएगा, एक इतने बड़े अंधेरे को कुल चार दीपक, मैं तो एक ही दीपक की बात कर रहा हूँ, बड़े से अंधेरे को एक दीपक,
तो सोचिए कुछ ज्यादा दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका दीपक ज्यादा रोशनी वाला है तो वही बहुत सारे अंधेरे को चीर सकता है। ये सच बात है, प्रैक्टिकल बात है, इस बात को सभी जानते हैं। अब आ जाओ सत्य सतयुग पे। सतयुग में क्या है, आप सब जानते हो कि झूठ के लाखों स्वरूप हो सकते हैं। एक झूठ 100 झूठ बोलवाता है। एक झूठ, मैं आपको समझो इस बात को, बहुत सारे वीडियो बन गए, मगर इस बात पे आओ जो कल की चाहता है, जो कल की अवतार की सोच चाहती है। एक झूठ 100 झूठ बोलवाता है, यानी कि जैसे रावण के 10 सर थे ना यार, एक झूठ 100 झूठ बोलवाता है, ये कहावत है। तो एक झूठ ने 100 झूठ बोलवाए, फिर उसने भी 100 झूठ बोलवाए, ऐसे करके एक झूठ झूठों के झूठ 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 पे झूठ लाखों असंख्य लाखों करोड़ों संख्य, क्योंकि हर झूठ से वो झूठ लेता है, और ये सिर्फ एक सच से खत्म हो जाते हैं। इतनी छोटी सी उनकी उम्र भी है, तेजी से पनपते हैं, स्थाई उनका खत्म होने का, विलय होने का सत्य है। और ये जब हम जैसे आप जैसे लोगों को पता है, तो क्या वो कल की सोच है? कल की को नहीं पता है, उनको पता है तभी हो रहा है। कि बहुत मुश्किल नहीं है सतयुग लाना, और सतयुग कोई अलग से युग थोड़ी है। जिस दिन हमारे अंदर ही सत्य का बोलबाला हो जाएगा, हमारे खुद के अंदर सत्य की जीत होने लग जाएगी, और हम जैसे जब सारे हो जाएंगे तो सतयुग आ ही जाएगा अलग से थोड़ी कुछ। चलते चलते ये जो समय का क्रम चल रहा है, इसी में अपना आप ही आएगा। और जब ये दुनिया भर की चीजें हो रही हैं, अभी जैसे मैंने बताया, अब यहां पे सोच वाली बात है, अभी सोच की बात है, कल की एक सोच है जिसने कहा था, मैं भी कह रहा हूं, सब सोच पे ही निर्भर करता है। बुरी सोच का मरना, अच्छी सोच का जन्म लेना, विचार हमें, सच वाली बात है, ये सच की सोच अपनी प्रवृत्ति में लानी है। और जिनकी फितरत झूठ बोलने की, उनकी फितरत को चेंज करना है। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम बचपन से सबको सिखाते हैं, बच्चे के बच्चे झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, सच में जीत छुपी है। जीत, जब आप जीत कहते हैं, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट थोड़ी है, जीत है। जीत का मतलब ईश्वर, जीत का मतलब संस्कार, जीत का मतलब ईश्वर, बोल दिया मैंने आपको। जहां जीत है वहां सत्य की जीत है, सत्य है। तो जीत, सच का पथ ही जीवन पथ है, इस पे चलते जाना। आएंगे तूफान बड़े रे, तुम न कभी घबराना। तो ये तो बीच में, क्योंकि गायक हूं तो आ गया, और फिलहाल सच्ची जो राह है वो सत्य की राह है। अभी मैंने थोड़ा सा बताया आपको, जो भी वीडियो बनाया कैसा लगा आपको ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। आज थोड़ा सा बरसात का मौसम है, तो किसी ने, क्योंकि मैं गायक गीतकार संगीतकार भी हूँ, तो किसी ने कहा कि आपने कोई बरसात पर गाने बनाए हों तो सुना दीजिए, तो मैं उनको भी सुनाए, आपको भी सुना देता हूँ। एक मैंने बनाया था कि अरे चलिए अगले वीडियो में सुनाएंगे, टॉपिक को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आप इस पर कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको।